कैसे बनाते हैं, आपको जैसे पहले ही बताया गया था हर बिट्स की वैल्यू होती है 1111, लोअर बिट्स की वैल्यू 11 और अपर बिट्स की 5। जैसे हमें बनाना है 1, पहले हम बोर्ड पे सीखेंगे 1 कैसे बनाया जाता है। 1 बनाने के लिए हमें 1 फ्लोर पे 1 बिट को लोअर बिट्स को अप करना है और उसे मिडल बिट से मिलाना है तो बनेगा 1। इसलिए हमें 2 बिट्स को अप करना पड़ेगा 1 फ्लोर पे 1 एंड 2। ऐसे ही 3 बनाने के लिए हमें 1 फ्लोर पे 3 बिट्स को अप करना पड़ेगा 1 2 3। यही प्रोसेस 4 बिट्स के लिए भी करेंगे, 1 फ्लोर पे 4 बिट्स को अप करेंगे 1 2 3 4। अभी हम सीखते हैं मास्टर लेटर्स के बिट्स कैसे बनाई जाती है। हम देखते हैं यूनिट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखना हमेशा यूनिट पॉइंट का ही हम यूज करेंगे। और बिट्स को अप करने के लिए, लोअर बिट्स को अप करने के लिए हम थंब का यूज करेंगे। अब हम बनाते हैं 1 बनाने के लिए बाय थंब 1 बिट्स को अप करेंगे, 2 बनाने के लिए 2 बिट्स को अप करेंगे 1 2, करने के लिए इंडेक्स फिंगर का यूज करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है और बच्चों को भी ऐसे ही सिखाना है कि अप करने के लिए लोअर बिट्स को अप करने के लिए थंब का यूज करेंगे और डाउन करने के लिए इंडेक्स फिंगर का यूज करेंगे। अब हम देखते हैं 3 बनाने के लिए हमें 3 बिट्स को अप करना पड़ेगा 1 2 3 बाय थंब। ऐसे ही हमें 4 बनाने के लिए 4 बिट्स को अप करना पड़ेगा 1 2 3 4 बाय थंब। अब हम देखते हैं 5 कैसे बनता है अपर बिट्स में। 5 बनाने के लिए हमें 1 फ्लोर पे अपर बिट्स को मिडल बिम से टच करना पड़ेगा तभी बनेगा 5। अदरवाइज जब तक ये मिडल बिम से टच नहीं होगा इसकी वैल्यू 0 रहेगी। 6 बनाने के लिए हमें एक अपर बिट्स और एक लोअर बिट्स का यूज करना पड़ेगा। जैसे 5 अपर बिट्स की वैल्यू होती है 5, लोअर बिट्स की वैल्यू होती है 1, तो एक अपर बिट्स एक लोअर बिट्स गिनती क्या बनाएंगे 6। ऐसे ही 7 बनाने के लिए हमें 1 अपर बिट्स एंड 2 लोअर बिट्स 1 2, तो क्या बनेगा 5 6 7। 8 बनाने के लिए हमें 1 फ्लोर पे एक अपर बिट्स एंड 3 लोअर बिट्स 1 2 3, तो ये क्या बनेगा 5 6 7 8। ऐसे ही 9 बनाने के लिए हमें 1 अपर बिट्स एंड 4 लोअर बिट्स 1 2 3 4, तो ये क्या बनेगा 9 5 6 7 8 9। आपको ऐसे ही बच्चों को रिवाइज करवाना है और उनसे काउंटिंग करवानी है अबेकस पे भी और बोर्ड पे भी। अब हम इनको बनाते हैं अबेकस पे। हमने सीखा था 1 बनाने के लिए 1 बिट्स अप एंड डाउन बाय इंडेक्स फिंगर, 2 बिट्स अप डाउन बाय इंडेक्स फिंगर। ऐसे ही 3 बनाने के लिए 1 2 3, 4 बनाने के लिए 4 बिट्स अप 1 2 3 4 करेंगे बाय इंडेक्स फिंगर। ऐसे ही हमें 5 बनाने के लिए 1 बिट्स को डाउन करने पड़ेगा अपर बिट्स को, ये बनेगा 5। अब हमें बनाना है 6 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपर बिट्स 1 अपर बिट्स एंड 1 लोअर बिट्स को। अब हमें सीखना है 7 बनाना, 7 बनाने के लिए 1 अपर बिट्स 2 लोअर बिट्स 1 2 5 6 7। ऐसे ही इतना था 1 फ्लोर पे बिट्स बनाना। अब हम सीखते हैं 10 फ्लोर पे भी बिट्स बनाना, 1+10 में कैसे बिट्स बनाई जाती है। पहले हम बोर्ड पे सीखते हैं कि बिट्स कैसे बनानी है हमें 2 रोड पे, तो ये हो गया हमारे 22 बनाने के लिए हमें 10 फ्लोर पे 2+1 फ्लोर पे 2 बिट्स अप करनी पड़ेगी, तो ये बनेगा हमारा 22। तो हम देखते हैं इसको मास्टर बेकस पे, हमें 22 बनाना है तो 1 फ्लोर का यूज करेंगे प्लस 10 फ्लोर का यूज करेंगे, तो हमें 22 बनाने के लिए 10 फ्लोर पे 2 बिट्स को अप करना पड़ेगा 1 2 एंड 1st फ्लोर पे 2 बिट्स को अप करना पड़ेगा 1 एंड 2। ये हमारा क्या हो गया 2 2 22, इसे हम 2 नहीं 4 भी बोलेंगे क्योंकि अगर हमें 4 बनाना है तो 4 तो ऐसे
ऐसे ही हमें बनाना है 25 बनाने के लिए भी हमें वही सेम करना पड़ेगा कि हमें 10 स्लॉट प्लस 1 स्लॉट का यूज करना पड़ेगा। 10 स्लॉट पे हमें 2 बनाने के लिए, 20 बनाने के लिए 2 बिट्स अब करेंगे। ये क्या होगा हमारा 20, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या है 0। अब 5 करने के लिए 5 की वैल्यू अपर बिट्स को हम यूज करेंगे, ये क्या है 5 की बिट्स को डाउन करेंगे तो हमारा बनेगा 25। ठीक है, अब हम देखते हैं हमें बनाना है 35। इसके लिए हमें 10 और 1 स्लॉट का यूज करेंगे। 35 बनाने के लिए हमें 3 बिट्स को अप करना पड़ेगा 10 स्लॉट पे, 1 2 3। ये कितना हो गया 30 प्लस 5 करने के लिए हमें कौन बनाएगा 5 3 5 35। ऐसे ही हमें 50 बनाने के लिए, 50 बनाने के लिए भी हमें 10 प्लस 1 स्लॉट का यूज करना है। 50 बनाने के लिए इनकी क्या वैल्यू होती है अपर बिट्स की 5 5 5, तो हमारा 50 कैसे बनेगा 10 स्लॉट पे 5 बिट्स को डाउन करके, 5 की एक बिट्स को डाउन करके, प्लस या 0 रहेगा इस स्लॉट पे 0, जब तक ये बिन से टच नहीं होता इसकी वैल्यू कितनी रहती है 0। तो ये हमारा क्या होगा 5 0 50। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने अभी तक देखा 1 स्लॉट पे और 10 स्लॉट पे, अब हम 100 स्लॉट्स पे भी देखेंगे कि हम बिट्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, हमें बनाना है जैसे 11 बनाने के लिए 1 बिट 10 स्लॉट पे और 1 बिट 1 स्लॉट पे अप करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे 1 स्लॉट एंड 10 स्लॉट पे हमें 1 बिट अप करनी पड़ेगी, 1 1 11। इसे आप 11 बोलेंगे 2 नहीं बोलेंगे, क्योंकि 2 तो 1 स्लॉट पे बनेगा, ऐसे 2 बिट्स अप करने पे बनेगा 2, इसे आप 2 नहीं बोलेंगे। ठीक है, यह है 11। अब ऐसे ही हमें बनाना है 100 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 1 2 3 1 स्लॉट 10 स्लॉट और 100 स्लॉट्स का यूज करना पड़ेगा। 100 स्लॉट्स पे हमें 1 बिट अप करनी पड़ेगी, देन 0 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0 तो 0 रहेगा क्योंकि इसमें बिट्स कोई अप नहीं होगी और 1 स्लॉट में भी कोई बिट्स अप नहीं होगी, तो ये क्या बन गया हमारा 100। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, 86 बनाने के लिए हम देखते हैं, चलते हैं अपने मास्टर बेकर्स में। 86 बनाने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा 10 स्लॉट का एंड 1 स्लॉट का। 10 स्लॉट पे बनाएंगे हम 5 को राउंड करेंगे प्लस 6 7 8, ये बन गया हमारा 80। अब हमें 6 बनाने के लिए 1 स्लॉट का यूज करने का, अपर बिट्स डाउन करेंगे इसकी वैल्यू होती है 5 एंड 1 बिट अप करेंगे इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये क्या बन गया 8 और 6 86। ऐसे ही हमें कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हमें बनाना है 99 बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा 5 6 7 8 9, ये बन गया हमारा 90 और 99 बनाने के लिए 5 6 7 8 9, ये हो गया हमारा 99। ऐसे ही देखते हैं हमें 33 बनाना है, 33 बनाने के लिए 10 स्लॉट पे 3 बिट्स अप एंड 1 स्लॉट पे भी 3 बिट्स अप। ऐसे ही अगर हमें बनाना है 21 बनाने के लिए हमें करेंगे 10 स्लॉट पे 2 बिट्स को अप, 1 एंड 2, और 1 बनाने के लिए 1 स्लॉट पे 1 बिट्स को अप करेंगे। ऐसे ही हमें बनाना है 105 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 स्लॉट पे 1 बिट को अप करेंगे, लोअर बिट को अप करेंगे। 0 बनाने के लिए यहाँ तो वैल्यू 0 ही रहेगी क्योंकि 0 0 बना नहीं सकते, अब बनाना है 5, तो 1 स्लॉट पे बनेगा हमारा 5, तो ये बन गया 105। ठीक है, 56 को बनाने के लिए हमें 10 स्लॉट प्लस 1 स्लॉट का यूज करेंगे, 10 स्लॉट पे 5 बिट्स को डाउन करेंगे, 5 की बिट्स को डाउन करेंगे एंड और 1 की रोल पे 5 प्लस 1, क्या बनेगा 6 56। ऐसे ही हम बनाएंगे 92 बनाने के लिए भी हम 10 स्लॉट एंड 1 स्लॉट का यूज करेंगे, हमें 10 स्लॉट पे 9 बनाना पड़ेगा और 1 स्लॉट पे 2 बिट्स को अप करना पड़ेगा, तो 92 बनाने के लिए 5 6 7 8 9, ये बन गया हमारा 90 प्लस 2 1 एंड 2, ये बन गया हमारा 92। देन हम देखते हैं 44 बनाने के लिए भी 10 और 1 स्लॉट, 4 बनाने के लिए हमें 10 स्लॉट पे 4 बिट्स को अप करना पड़ेगा और 4 बनाने के लिए दोबारा से हमें 1 स्लॉट पे भी 4 बिट्स को अप करना पड़ेगा, 1 2 3 4, ये बन गया हमारा 4, मतलब 40 की लाइन हो गई है।
और ये बनेगा 1, 2, 3, 4, मतलब 4 हो गया हमारा 44। अब देखेंगे 51। 51 कैसे बनाएंगे आप? 10 फ्लोर पे 5 की बिट्स को डाउन करेंगे और 1 फ्लोर पे 1 की बिट्स को अप करेंगे, डाउन अप करेंगे। ठीक है, तो हमारा बनेगा 5 और 1, ये क्या हो गया 5, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 51। अब हम देखते हैं इसको मास्टर बेकर्स में कैसे बनाएंगे। ठीक है, हमें क्या बनाना है? फर्स्ट 56, 56 बनाने के लिए 10 फ्लोर 5 और 6 बनाने के लिए 1 फ्लोर 5 6, ये क्या बन गया 56। 5 को बनाएंगे हम 10 फ्लोर पे और 6 को बनाएंगे 1 फ्लोर पे, बनेगा हमारा 56, 5 6, 56। ठीक है, ऐसे ही हम देखते हैं 92 को। 92 को बनाने के लिए हमें 10 फ्लोर पे 9 बिट्स बनानी पड़ेगी और 1 फ्लोर पे 2 बिट्स को बनाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं 10 फ्लोर पे 9 बनाने के लिए 5 6 7 8 9, ये हमारा बन गया 9, मतलब 90 की लाइन हो गई है हमारी। अब ये हमें 2 बनाने के लिए, 2 बनाने के लिए हमें 1 फ्लोर पे 2 बिट्स को अप करना पड़ेगा। 1 एंड 2, ये क्या बन गया 2, ये क्या हो गया 5 6 7 8 9, 92, ये हो गया हमारा 92। अब हम देखते हैं हमें क्या बनाना है 44 बनाने के लिए 4 बिट्स को 10 फ्लोर पे अप करना पड़ेगा और 1 फ्लोर पे 4 बिट्स को अप करना पड़ेगा। अब हम बनाते हैं 44, 10 फ्लोर पे 4 बिट्स को अप करेंगे 1 2 3 4, ये क्या बन गया हमारा 4, मतलब 40। ठीक है, 10 फ्लोर पे बनेगा तो मतलब 40 बनेगा। ठीक है, अब हमें 1 फ्लोर पे 4 बनाना है, इसमें भी 4 बिट्स को अप करना पड़ेगा 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी 4 बिट्स, 10 फ्लोर पे भी 4 बिट्स, 1 फ्लोर पे भी 4 बिट्स, तो ये हमारा बन गया 44। अब हम बनाते हैं 51, 51 बनाने के लिए भी हमें 10 फ्लोर पे बनेगा 50 और 1 बनेगा हमारा 1 फ्लोर पे, तो हम बनाएंगे 5 को डाउन करेंगे 10 फ्लोर पे और 1 बिट्स को अप करेंगे 1 फ्लोर पे, क्या बनेगा हमारा, ये बन गया 5, ये बन गया 1, तो ये बन गया हमारा 51। ऐसे ही हम कुछ और बिट्स बनाते हैं, जैसे हमें बनाना है 3 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 बिट्स को अप करना पड़ेगा 3 1 फ्लोर पे 1 2 3, ये हमारा हो गया 3। अब हम मान लो हमें बनाना है 32 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 फ्लोर पे 3 बिट्स और 1 फ्लोर पे 2 बिट्स, तो हमारा क्या बनेगा 32। चलो देखते हैं 10 फ्लोर पे 3 बिट्स को अप, 32 बनाने के लिए 1 2 3, तो ये क्या होगा हमारी वैल्यू 10 फ्लोर पे 3 की, ये 3 बिट्स की 30 होगी। अगर हमें 2 बनाना है तो यहाँ 1 फ्लोर पे 2 बिट्स को अप करना पड़ेगा 1 एंड 2, ये क्या हो गया 1 2 3 3 और ये 2 1 2 32। ऐसे ही अब हमें बनाना है जैसे 35 बनाने के लिए हमें लोअर बिट्स प्लस अपर बिट्स दोनों का यूज करना पड़ेगा। देखते हैं 10 फ्लोर पे 30 बनाएंगे 3 1 2 3, तो ये कितना हो गया 30, 1 2 3, कितनी हो गई है 30, क्योंकि यहाँ पे अभी बिट्स अप नहीं हुई है, तो यहाँ वैल्यू कितनी रहेगी 0 और 10 फ्लोर पे 3 बिट्स क्या बनाएंगे 30। अब हमें बनाना था 35 बनाने के लिए हम 1 फ्लोर पे 5 की बिट्स को डाउन करेंगे, ये कितना हो गया हमारा 5, ये हो गया हमारा 3, 1 3 बिट्स हो गई 1 2 3 और यहाँ पे 5, ये हो गया हमारा आंसर 35। ठीक है, 112 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 फ्लोर पे 1 बिट को ऊपर करना पड़ेगा, 10 फ्लोर पे 1 बिट को अप करना पड़ेगा और 2 बनाने के लिए 1 फ्लोर पे 2 बिट को अप करना पड़ेगा 1 2, तो हमारा क्या बनेगा 112।